हेलो फ्रेंड्स, पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 हटाई गई थी। उसके बाद लोकतंत्र बहाली के पहले चरण में वहां पर DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव कराए गए। ये चुनाव 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक 8 चरणों में हुए। कुल 280 सीटों के लिए मतदान हुआ, 14 जिले और प्रत्येक जिले में 20 सीटें। कुल वोटरों की संख्या जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे J&K में थी वो थी 57 लाख। पूरा चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराया गया और जो वोटर्स का टर्न अराउंड रहा वो था 51.42% इन टोटेलिटी। इस चुनाव में 2178 लोगों ने अपना भाग्य जमाया। अच्छी बात क्या रही कि इसमें महिलाओं की संख्या बहुत अच्छी थी, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। अब इस चुनाव से जुड़े हुए कुछ संदेश। LOC से जुड़े जो जिले हैं, पुंछ, राजौरी, यहां पर वोटरों का जो परसेंटेज रहा वो 80% रहा। इस भीड़ ने भयंकर मौसम खराब, बर्फबारी, तमाम ठंड, लोगों ने जो पोलिंग स्टेशन पर लाइन लगाकर जो आतंकवाद है, जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है, उसको बड़ा करारा जवाब दिया है। लोगों ने बता दिया कि हमारे लिए विकास ही प्राथमिकता है। उनको एक नई उम्मीद जगी है। ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वहां लागू हुई है, और ये लागू इसीलिए हुई है क्योंकि वहां 370 धारा नहीं रही। वहां पर ये चुनाव कराने से पहले पंचायती राज अधिनियम में परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया, क्योंकि आज तक वहां इस प्रकार के चुनाव नहीं हुए थे। अब वहां के लोगों को अपने काम कराने के लिए सांसद और विधायक के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो इन मेंबर्स के पास जा सकते हैं। एक विकास का नया खाका खींचेगा वहां पर और नई इबारत लिखी जाएगी। और लोकतंत्र बहाली की जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जब से मनोज सिन्हा को वहां का LG बनाकर भेजा गया था। आपको याद होगा वहां कुछ नेताओं ने कहा था कि अगर धारा 370 बहाल नहीं की जाती तो यहाँ कोई तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज शायद उन नेताओं को भी करारा जवाब मिल चुका है। शुरुआत में जब इन चुनावों की घोषणा हुई तो जम्मू और कश्मीर की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो प्रादेशिक दल हैं जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, उन्होंने वहां चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया कि हम इन चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लेकिन शायद उनको समझ में आया कि इससे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा घाटी से, तो उन्होंने 7 पार्टियों ने मिलकर एक गुपकार अलायंस बनाया। गुपकार नाम क्यों दिया? क्योंकि श्रीनगर में जहां इनके बंगले हैं सबके, वो गुपकार रोड कहलाती है। लेकिन वहां पर जीत केवल लोकतंत्र की हुई। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को आई, उसके बाद उसको 75 सीटें मिली, नेशनल कॉन्फ्रेंस 67, PDP 27, निर्दलीय 50 सीट ले आए, कांग्रेस 26 सीटों पर रह गई और BSP को 1 सीट मिली। हालांकि अलायंस के रूप में गुपकार अलायंस सबसे बड़ा रहा, लेकिन अगर वोट परसेंट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 4.87 लाख वोट मिले, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2.82 लाख वोट मिले, कांग्रेस 1.39 वोट पर पाई, और जबकि PDP 55,000 वोटों में समट गई। जम्मू में 10 में से 6 जो जिले थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, जहां वो अपना अध्यक्ष चुनवा लेंगे। हालांकि 4 के लिए उनको निर्दलीय की मदद लेनी पड़ेगी। इस पूरे चुनाव में
निर्दलीय किंग मेकर की रूप भूमिका में आया है। उसने दिखा दिया कि यहां की लोगों का जो अब विश्वास है वो विश्वास दो परिवारों के ऊपर नहीं रहा। सबसे बड़ा संदेश इस चुनाव का वो है। श्रीनगर में 14 में से 7 सीटें निर्दलीयों ने जीती हैं। श्रीनगर, बांदीपोरा और पुलवामा जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहलाते हैं, मुस्लिम बहुल जिले हैं, वहां पर एक एक सीटें बीजेपी भी जीती है। अब आगे का संदेश, गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर में विधानसभाओं का परिसीमन दोबारा किया जा रहा है, वो कार्य प्रगति पर है और ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में हम विधानसभा के चुनाव भी देखेंगे जहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार आएगी और ये देश कश्मीर को पुनः से हरा भरा देखेगा, विकसित देखेगा, खुशहाल देखेगा। जय भारत, जय कश्मीर। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ASAP लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।